बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। तो असल में मैं एक ट्रिप पे जा रहा था, 6 डेज का टूर है मेरा दुबई में। तो मैंने सोचा ब्लॉग ही बना ले, काफ़ी दिनों के ब्लॉग नहीं बनाए। तो इंशाल्लाह अभी मैं रेडी भी नहीं हुआ, तो अभी जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं एयरपोर्ट पर। चलिए अल्लाह। तो जी हाँ, अभी हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से थोड़ा बैठते हैं, चेक इन वेकिन वगैरह करवाते हैं, फिर अंदर चल के आपसे बात करते हैं। हम यहाँ चाय पीने रुके थे यहाँ पे बाहर, तो ये बेचारी इधर थक गई, तो इसको नींद आ रही थी काफ़ी, तो इसको हमने इधर बिठा दिया। कैसा लग रहा है आपको? नींद आ रही इसको। हाँ, अभी हमने फर्स्ट स्टेप सिक्योरिटी का हमने पार कर लिया, अब दूसरे स्टेप पर जा रहे हैं। जी हाँ, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी बहन जो है, बहन साहिबा, उन्होंने यहाँ पे खेलना था, तो इसलिए हम यहाँ ले के आए हैं। और हमने ये लिया है, मैं जो भी एयरपोर्ट आ रहे हैं और आ चुके हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये और ये कभी ना दें, सही है, क्योंकि इतने महंगे हैं भाई, कैसे अफोर्ड करें। मजाक कर रहा। बाकी अभी थोड़ी देर यहाँ ये खेलेगी, फिर उसके बाद हम निकलेंगे दुबई के लिए। तो भाई मुझे पता नहीं था कि ये लोग कलाकार है इतने, पूरा एक सिटी बना दिया अपना। मुझे नहीं पता कि ये बोले क्या कर रहे हैं, अपना एक सिटी बना दिया इन्होंने, अपना फन सिटी नाम इन्होंने खुद बनाया और यहाँ पे खेल रहे हैं। मैं बैठा हुआ हूँ बेचारा इनके पास सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ। ये बेचारी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही जी हाँ, अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं, तो अभी एग्ज़िट करना है। तो एग्ज़िट तो उस साइड पे है, लेकिन हमें एग्ज़िट करने के लिए बहुत चलना पड़ेगा क्योंकि दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। तो चलिए चलते हैं। अभी यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया, तो हमने यहाँ फिर ट्रेन में बैठ के आगे बैगेज क्लेम करने जाना है। क्या मसले हैं भाई इनके, उधर से उधर घुमा रहे हैं, उधर से उधर घुमा रहे हैं। तो भाई अभी सब कुछ हो गया, लास्ट स्टेप के बस बैग लेने और वहाँ से हमने जाना है बाहर, वो एग्जिट लिखा हुआ। बस अब बैग पकड़ते हैं फिर निकलते हैं। जी हाँ, वी आर फाइनली इन दुबई। चले फिर घर चल के आपसे बात करने, और घर जाके मैंने तो सोना है डायरेक्ट, फिर आपसे बात कर। तो जी हाँ, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं घर में, तो अभी फजर का टाइम हो रहा था, हम नमाज़ शमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सोते हैं। आपको छोटा सा रूम टूर दिखाते हैं। तो यहाँ से रूम स्टार्ट होता है, ये बेड है, ये यहाँ पे हमें लगा हुआ है, और बैठने की जगह बस ख़त्म। और यहाँ पे एक बेहतरीन किस्म का शीशा लगा हुआ है जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो फिर बस अभी तक थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर सोते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको जब मैं उठूँगा तब लेके चलेंगे। तो जी हाँ, अभी मैं उठाऊँ तो ऊपर छत पे आया था मैं, थोड़ा व्यू शू देखने यहाँ का। तो अभी मुझे सामने क्या दिखा, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, फिर मैंने अचानक सामने देखा, फिर मैंने देखा जी बुर्ज खलीफा।
वाह जी वाह, तो आज हम इधर जाएंगे बुर्ज खलीफा और दुबई की स्काईलाइन चेक। आज हम इधर जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ से हम ड्राइव करेंगे और थोड़ा आज हम घूमेंगे, फिर मैं ये व्लॉग एंड करूँगा। इसके बाद फिर मैं कल सेकंड पार्ट में स्टार्ट करूँगा व्लॉग का। तो चलिए फिर अंदर चल के मैं नीचे चल के मैं रेडी होता हूँ, फिर हम चलते हैं। जी हाँ, अभी हम कर रहे हैं साइकिलिंग। जी अभी हम यहाँ पे उतर चुके हैं और बेहतरीन किस्म का पीछे स्काईलाइन आप देख सकते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है दुबई, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। इट्स टू गुड टू गुड, मज़ा आया बहुत। फर्स्ट डे है हमारा यहाँ दुबई में, हम पाम आइलैंड आए थे। पाम आइलैंड कहते हैं पता नहीं मुझे, शायद यही कहते हैं, पाम जुमेरा आइलैंड या इसी तरह कुछ है। तो पीछे आप दुबई की स्काईलाइन चेक करें, बहुत ही अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। पहला दिन है और पहले दिन में ही बहुत मज़ा आ रहा है। तो जी हाँ, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्लोबल विलेज और आप सामने का व्यू चेक करें, क्या बात। जी हाँ, अभी हम इंटर हो चुके हैं ग्लोबल विलेज में, तो अभी हम थोड़े से राइड्स लेंगे उसके बाद घूमेंगे। यहाँ पे हर कंट्रीज के स्टॉल लगे हुए हैं, हम अभी सीरिया के सामने खड़े, सीरिया का इनका अलग स्टॉल लगा हुआ है, आगे अफगानिस्तान का अलग है, पाकिस्तान का अलग है। हम पाकिस्तान में भी जाएंगे, अफगानिस्तान में भी जाएंगे, इंडिया में भी जाएंगे, एक जगह पर सभी मुल्कों में घूमेंगे। सामने है रशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद पता नहीं क्या क्या सब विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। अब हम पहुंच चुके हैं कोरिया के सामने, कोरिया से हम जाएंगे फिर अमेरिकन्स में, उसके अंदर है अफ़गानिस्तान, सब विज़िट करेंगे और थोड़े से राइड्स भी लेंगे। यहाँ पे बड़े मज़े मज़े के राइड्स हैं। अब हम कोरिया से होते हुए अब हम पहुंचे हैं जापान, वाह। हाँ अभी हम जा रहे हैं बड़े से पहिए वाले आई मीन इसमें हम जा रहे हैं, इसी को बड़ा वाला पहिया कहते हैं हमारे लोग।
अभी हम वहाँ बैठे थे बड़े वाले पहिए में तो काफ़ी मज़ा आया और व्यू भी अच्छा था ऊपर से, लेकिन उनका जो शीशा था वो ब्लर था इसलिए मैं आपको ज़्यादा व्यू नहीं दिखा नहीं पाया। तो आगे चलते हमने ज़िंदगी में कभी एस्केलेटर नहीं चलाया तो आज चला लेते हैं इधर मौका मिल रहा है तो। बस आखिर में थक हार के हम यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है यहाँ पे खाना खाने आए। मुकाम पैदा कर दयार गैर में अपना मुकाम पैदा कर नया जमाना नई सुबह वो शाम पैदा कर। जी हाँ, तो अभी हमने मैंने खाना शाना खा लिया है तो अभी इसमें थोड़ा क्रेडिट वगैरह बचता था तो मैंने सोचा कुछ खेल वेल के आते हैं। चलिए जी हाँ, मैं सो गया था, मैं व्लॉग एंड करना भूल गया तो आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा दुबई का। आज फर्स्ट डे था, बहुत हेक्टिक डे था, बहुत बिजी डे था, मज़ा आया काफ़ी जगहों पे हम घूमे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के लिए आप रेडी रहिएगा, इंशाल्लाह जल्द आएगा। आप होप आप सब ने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा, ना भी किया हो ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्या क्या करना चाहिए मुझे व्लॉग में, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे व्लॉग बनाते। तो अल्लाह हाफिज़, मिलता है अगले व्लॉग में, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।